आइए दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम कारक चिन्हों के बारे में चर्चा करेंगे, कारक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं राजीव सर आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और आज हम विस्तृत रूप से कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे, कारक क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम कारक की बात करें तो वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से क्रिया का संबंध जोड़े उसे ही हम कारक कहते हैं। और कारक जो होते हैं दोस्तों वो 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में। और दोस्तों आपके सामने लिखा गया है ये कारक और उनके चिन्ह और विभक्तियां। तो पहला दोस्तों कर्ता कारक है जिसका चिन्ह ने होता है और यह हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है दोस्तों। दूसरा कर्म कारक है जिसका चिन्ह को होता है और यह हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है दोस्तों। तीसरा करण कारक है जिसका चिन्ह से के द्वारा जिसका विभक्ति तृतीय होता है। चौथा संप्रदान है जिसका कारक चिन्ह के लिए के निमित्त और यह हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है। पांचवा अपादान है जिसका चिन्ह से अलग होने पर है जो हमेशा पंचमी विभक्ति में होती है। और छठा दोस्तों संबंध कारक है जिसका चिन्ह काकी के रारी रे है जो सर्वथा खष्टी विभक्ति में होता है। सातवां अगर देखें दोस्तों तो अधिकरण कारक होता है जिसका चिन्ह में पर पे के बीच के अंदर जैसे अनेक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अधिकरण कारक में। और इसकी विभक्ति दोस्तों हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। और जो आठवां है दोस्तों वह संबोधन कारक है जिसका चिन्ह हे अरे ए और विभक्ति इसका संबोधन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए आज हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं कि कारक में क्या क्या तथ्य होता है जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें तो हम कर्ता कारक की बात करेंगे दोस्तों। तो कर्ता कारक जो होता है दोस्तों, कर्ता कारक में दोस्तों हमेशा आप देखेंगे कि कर्ता कारक में जो नियत चिन्ह लगता है वह हमेशा दोस्तों सकर्मक क्रिया के साथ लगता है। और सकर्मक क्रिया दोस्तों जब भूतकाल में होती है तभी कर्ता के साथ नियत चिन्ह लगता है दोस्तों। केवल जब क्रिया सकर्मक होगी और भूतकाल में होगी दोस्तों तो वहां कर्ता के साथ नियत चिन्ह जुड़ता है। बाकी परिस्थितियों में कर्ता के साथ नियत चिन्ह दिखाई नहीं देता दोस्तों। अगर भूतकाल में भी दोस्तों हम बात करें तो अपूर्ण भूतकाल के सेंटेंस में कर्ता के साथ नियत चिन्ह दिखाई नहीं देता है। जैसे दोस्तों हम देखें तो होता है राम ने खाना खाया। दोस्तों आप देखिए यहां पर राम के साथ ने लगा है क्योंकि यहां क्रिया जो है सकर्मक है, क्योंकि यहां कर्म खाना दिया हुआ है और खाया भूतकाल में हो रहा है, भूतकाल की बात हो रही है, खाना पहले से खा चुका है। तो ऐसे सेंटेंस में दोस्तों ने चिन्ह लगता है। लेकिन राम खाना खा रहा है अब दोस्तों यहां देखेंगे तो ने चिन्ह नहीं लगा है। अब दोस्तों इसी तरह अगर अपूर्ण भूतकाल होगा तो वहां दोस्तों अपूर्ण भूतकाल में दोस्तों अगर हम बात करें तो वहां पर ने चिन्ह नहीं लगता है। जैसे राम खाना खा रहा था दोस्तों ये अपूर्ण भूतकाल है और यहां आप देख रहे हो कि ने चिन्ह नहीं लगा है। वर्तमान काल है वहां भी ने चिन्ह नहीं लगा है।
तो ने चिन्ह दोस्तों कहां दिखाई देता है हमें, तो वह हमेशा दोस्तों जब क्रियाभूत काल में हो और सकर्मक क्रिया हो तो दोस्तों वहीं पर कर्ता कारक के साथ, कर्ता के साथ ने चिन्ह लगता है कर्ता कारक में। इतना ही नहीं दोस्तों, कहीं कहीं पर तो दोस्तों कर्ता कारक के साथ को चिन्ह भी लगता है, से चिन्ह भी लगता है, के द्वारा चिन्ह भी लगता है। अब दोस्तों कहेंगे कि ये क्या सर जी आप उलझा रहे हैं, तो उलझा नहीं रहे हैं दोस्तों, आपको हम यह बात बता रहे हैं कि कर्ता कारक में कभी कभी कर्ता कारक के साथ को का भी चिन्ह लगता है, से का भी चिन्ह लगता है, और दोस्तों साथ में के द्वारा भी चिन्ह लगता है। आइए दोस्तों देखते हैं, अब देखिए दोस्तों सेंटेंस आ गया राम को गाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों ये सेंटेंस है राम को गाना अच्छा नहीं लगता। आप देखिए दोस्तों यहां राम करता है और कर्ता के साथ दोस्तों को चिन्ह लगा हुआ है, तो यह कर्ता कारक में प्रक्रिया देखने को मिलती है। उसी तरह दोस्तों रोगी से चला नहीं जाता, देखिए दोस्तों रोगी यहां करता है और से चिन्ह लगा हुआ है। उसी तरह देखिए दोस्तों कहता है सीता के द्वारा गीत गाया गया, तो दोस्तों आप यहां देख रहे हैं कर्ता कारक के साथ तीन चीजें आपको दिखाई दे रही हैं दोस्तों। कर्ता के कारक के साथ क्या क्या लगा है, कर्ता के साथ को भी लगा है, कर्ता के साथ से भी लगा है, और कर्ता के साथ के द्वारा चिन्ह भी लगा है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको पता चला कि कर्ता कारक के साथ केवल ने चिन्ह ही नहीं, को से के द्वारा जैसे चिन्ह भी सेंटेंस में जुड़ जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कर्म कारक की, तो हम कर्म कारक की बात करें दोस्तों, तो कर्म कारक दोस्तों हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है और कर्म कारक का चिन्ह जो दोस्तों होता है वो को होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए अगर प्राणिवाचक संज्ञा है तो दोस्तों अगर प्राणिवाचक कर्म है तो दोस्तों प्राणिवाचक कर्म के साथ को चिन्ह लगता है, लेकिन अप्राणिवाचक कर्म है तो दोस्तों वहां को चिन्ह नहीं लगेगा। जैसे दोस्तों आप देखेंगे राम ने श्याम को बुलाया, अब देखिए दोस्तों यहां प्राणिवाचक कर्म है तो उसके साथ को लगा है प्राणिवाचक कर्म के साथ, लेकिन दोस्तों सीता ने चावल खाए, अब देखिए दोस्तों यहां चावल जो कर्म है दोस्तों
ये अप्राणिवाचक कर्म है तो यहां दोस्तों क्वचित नहीं लगा है। कभी कभी दोस्तों देखने को यह भी मिलता है कि वाक्य में एक साथ दो दो कर्म आ जाते हैं। कभी कभी वाक्य में एक साथ दो दो कर्म आ जाएंगे, जैसे दुकानदार ने ग्राहक को सामान बेचा। अब यहां देखिए दोस्तों, दो कर्म एक साथ हैं, एक तो ग्राहक को और दूसरा सामान। अब आप दोस्तों कहेंगे कि सर जी हमारी क्रिया जो है किस कर्म के साथ जुड़ेगी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब भी दो कर्म एक साथ आते हैं तो क्रिया के सबसे निकटतम कर्म को ही हम मुख्य कर्म मानते हैं और क्रिया से दूर जो कर्म है उसे गौण कर्म मानते हैं। तो यहां सामान क्रिया के नजदीक है दोस्तों, तो सामान मुख्य कर्म है और ग्राहक को जो है दोस्तों यह क्या है? गौण कर्म है। क्या है दोस्तों? गौण कर्म है। तो दोस्तों समझ में आ गया, कर्मकारक का चिन्ह को होता है और कर्मकारक का चिन्ह को हमेशा प्राणिवाचक कर्म के साथ लगता है और प्राणिवाचक कर्म के साथ नहीं लगता है। आगे हम दोस्तों देखेंगे तो आगे है दोस्तों करण कारक, और करण कारक हमेशा दोस्तों तृतीया विभक्ति में होता है और करण कारक का चिन्ह जो होता है दोस्तों वह से या के द्वारा होता है, अर्थात जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है या जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वहां करण कारक। जैसे दोस्तों मैंने पेन से पत्र लिखा तो लिखने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है दोस्तों? पेन से। या दोस्तों उसने पत्र के द्वारा सूचना दी तो यहां सूचना किसके द्वारा मिली है? पत्र के द्वारा। के द्वारा लग गया दोस्तों, तो जिसके द्वारा जिसके माध्यम से दोस्तों कार्य हो रहा है वहां करण कारक होता है दोस्तों, और करण कारक दोस्तों हमेशा तृतीया विभक्ति में होती है। अब दोस्तों आप करण कारक को भी समझ गए, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ के दोस्तों एक तो दोस्तों अब हम देखेंगे चौथा जो है संप्रदान कारक। तो दोस्तों संप्रदान कारक जो होता है, संप्रदान कारक दोस्तों हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है और यह जिसके लिए कार्य हो रहा है उसके लिए होता है। इसका चिन्ह जो होता है दोस्तों हमेशा के लिए के निमित्त लगता है और कहीं कहीं दोस्तों इसमें चिन्ह को भी लगता है। तो संप्रदान कारक हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है, जिसके लिए कार्य हो रहा है उसके लिए होता है और इसका जो चिन्ह होता है दोस्तों के लिए या के निमित्त कभी कभी को भी लगता है। तो दोस्तों जैसे आप देखेंगे
मैंने गुरु जी को उपहार दिया। तो यहां देने का क्या हुआ, देने का भाव आ रहा है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां जी को क्या लग गया दोस्तों, को लग गया है कारक चिन्ह, जबकि है संप्रदा, लेकिन गुरु जी को दिया जा रहा है उपहार। या मैंने पूजा के लिए फूल, फूल तोड़े। अब यहां भी दोस्तों देखिए, अब के लिए आ गया, तो दोस्तों को भी आता है, के लिए भी आता है। उसी तरह जब उपकार में कोई चीज दिया जा रहा है, किसी को देने का भाव प्रकट है, वहां भी कोई चिन्ह लग जाता है। जैसे मैंने गरीबों को वस्त्र दिया, यहां उपकार का भाव है। तो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में होता है दोस्तों, और इसका चिन्ह जो होता है दोस्तों, के लिए, के निमित्त, को भी लगता है यहां। आगे दोस्तों हम देखेंगे अपादान कारक के बारे में। तो दोस्तों अगला है अपादान कारक, और अपादान कारक दोस्तों हमेशा पंचमी विभक्ति में होती है। अपादान कारक दोस्तों इसका चिन्ह से होता है, और यह हमेशा अलग होने के भाव में आता है। तो दोस्तों आप देखेंगे अपादान, जैसे दोस्तों कहता है वह पेड़ से गिर पड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहां पेड़ से गिरा है अर्थात अलग हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में दोस्तों, जब कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, तो वहां अपादान कारक होता है, या पंचमी विभक्ति में होता है दोस्तों। इसके अलावा डरना हो, सीखना हो, तुलना करना हो, निकलना हो, तो ऐसे भाव में भी अपादान कारक होता है दोस्तों। जैसे आप देखेंगे बच्चे शेर से डर, दोस्तों यहां भी अपादान कारक है। या हमने अध्यापक से गीत सीखा, यहां भी अपादान कारक। सीखने की भी क्रिया, अगर किसी से हम कुछ सीख रहे हैं तो वहां भी अपादान कारक है। किसी चीज से हम डर रहे हैं तो वहां भी अपादान कारक है। अगर किसी से तुलना हो रही है, जैसे दोस्तों देखिए राम श्याम से, राम श्याम से बुद्धिमान, तो दोस्तों जहां तुलना का भाव हुआ है वहां भी अपादान कारक हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों गंगा, हिमालय,
से निकलती है। दोस्तों निकलने का भाव है, यहां भी अपादान कारक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देखेंगे अपादान कारक अलग होने के भाव में है, डरने के भी भाव में अपादान कारक आएगा, सीखने के भाव में भी अपादान कारक आएगा, तुलना के भाव में भी अपादान कारक आएगा और निकलने के भाव में भी अपादान कारक आएगा। तो ये अपादान कारक हुआ दोस्तों जो हमेशा पंचमी विभक्ति में होती है। केवल अलग होने की प्रक्रिया में ही अपादान कारक नहीं होता है, डरने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में, तुलना की प्रक्रिया में, निकलने की प्रक्रिया में, इन तथ्यों में भी दोस्तों अपादान कारक होता है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें और भी वीडियो, अगर इससे अच्छी वीडियो आपको देखना है दोस्तों, अपने ज्ञान में वृद्धि करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों तो हम संबंध कारक की बात करेंगे। तो संबंध कारक दोस्तों हमेशा आपका षष्ठी विभक्ति में होता है। षष्ठी विभक्ति तो दोस्तों हमेशा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में होता है और संबंध कारक का चिन्ह दोस्तों का की के रारी रे। दोस्तों कई बच्चों को तो ये दिक्कत आ जाती है, यो सोचते हैं कि का की के ये तो समझ में आता है कि दो संज्ञाओं को या दो सर्वनामों को आपस में जोड़ रहा है या संज्ञा से सर्वनाम का साथ जोड़ रहा है या सर्वनाम से संज्ञा को जोड़ रहा है, क्योंकि संबंध कारक में जोड़ने का भाव प्रकट होता है दोस्तों। जहां दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ा जाता है, दो सर्वनामों को आपस में जोड़ा जाता है, तो दोस्तों कई बच्चे सोचते हैं कि ये रारी रे ये कहां जुड़ता है, तो ये भी जुड़ता है दोस्तों, ये हमेशा सर्वनामों के साथ जुड़ता है, सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ करके ये आता है दोस्तों। अभी देखेंगे आप, अब जैसे दोस्तों हम उदाहरण दें आपको संबंध कारक, तो दो संज्ञा या दो सर्वनाम या संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे राम का भाई, सुंदर है, यहां दो को जोड़ रहा है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों मोहन की मां बीमार है, यहां भी देखिए मोहन और मां दोनों को जोड़ रहा है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों ये सोनू के जूते, तो ये का की के ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि संज्ञा से सर्वनाम को जोड़ा है, संज्ञा से संज्ञा को जोड़े, लेकिन रारी रे दोस्तों देखिए कैसे हमारा नया घर। देखिए दोस्तों रा कहां जुड़ा, हम के साथ, हमारा नया घर, ये हमेशा सर्वनाम के साथ जुड़ के आता है दोस्तों, हमारी गाड़ी, हमारे दोस्त। अब उन बच्चों को समझ में आएगा कि ये रारी कैसे संबंध जोड़ते हैं, आप देखिए ये हमेशा सर्वनामों के साथ जुड़ के आते हैं दोस्तों। काकी के ये तो संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ते हैं, लेकिन ये पहले से ही सर्वनामों के साथ जुड़ के आते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर हम आगे अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे अधिकरण कारक,
तो अधिकरण कारक दोस्तों हमेशा सप्तमी विभक्ति में होता है। दोस्तों अधिकरण कारक जो होता है वो हमेशा सप्तमी विभक्ति में होता है, और अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है में पर के बीच के अंदर के ऊपर ऐसे शब्द। कभी कभी दोस्तों इसमें काल का भी बोध होता है, अधिकरण कारक कारक में काल का भी बोध होता है, काल के अनुसार भी इसके वो बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। जैसे अगर हम देखें दोस्तों तो घर में पुस्तक है, उसी तरह छत पर बच्चे हैं, आंगन में आंगन के बीच कुआं है, या फिर आप कहिए वे शाम को आए थे, तो यहां काल का बोध हो रहा है दोस्तों, यहां भी अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं सुबह को मिलूंगा, काल का बोध हो रहा है। ठंडी के दिन में सर्दी है, गर्मी में धूप अधिक है, तो दोस्तों यहां काल का जब बोध होता है वहां भी अधिकरण कारक हो जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी के साथ हम, और आएंगे संबोधन में। संबोधन दोस्तों हमेशा संबोधन विभक्ति होता है। जब हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं या अपनी बात उससे कहते हैं, हे इधर सुनो, हे ये काम करो, अरे ये क्या कर दिया, तो दोस्तों ऐसे वाक्यों में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ज्ञान मिले तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए, ज्ञान चाहिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आसानी से हमारी वीडियो प्राप्त हो सके। तो गुड नाइट दोस्तों, धन्यवाद।